वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली एक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, और ये उन ख्वातीन के लिए हैं जो बहुत जल्दी कोई काम करना चाहती हैं या फिर कोई दावत में अपनी कोई एक डिश ऐसी रखना चाहती हैं जो जल्दी बन जाए और उनको ये बनाने में बहुत इजी होगा। इसके लिए बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, अभी हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। इनको हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। अगर आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, चाहें तो फौरन भी बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास चिकन है, ये टिक्का पीस हैंगे, ये देखें इस तरह मैंने इनको कट भी लगवा लिया है वहीं से शॉप से। तो ये मेरे पास 4-5-6 हैंगे टिक्का पीस। तो ये हमारे पास चिकन है और ये मेरे पास रेडीमेड मसाला है, देखें ये तंदूरी मसाला है। ये 2 बड़े चाय के चम्मच जो हमारे खाने वाले होते हैं वो लिए हैं और 2 ही बड़े चमचे टिक्का मसाला के हैं। और ये हमारे पास लेमन है जिससे हम यूज़ करेंगे, ऑयल है हसब ज़रूरत ये यूज़ करेंगे, और 1 कप जो है हमारे पास दही है ये यूज़ करेंगे। दही देखें ये ऐसा हैगा, इसमें हम मैरिनेशन करेंगे। और ये हमारे पास लहसुन अदरक है, ये हमने फाइन चॉप किया हुआ है। तो हम आपको मैरिनेशन करके दिखाते हैं। इसके लिए हम अपना एक बॉल ले लेते हैं। पहले हम आपको इसी में अपना मसाला रेडी करके बताते हैं। ये देखें ये हमारे पास दही है, इसमें हम अपना लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। ये लहसुन अदरक ऐड कर लिया है और ये देखेंगे हमारे पास ये मसाला ही हमने आपको बताया 2-2 चम्मच लिए। अच्छा, मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें, जैसे आप खाना चाहें कम या तेज़, अगर कम खाना चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने कि ये हाफ़ इतना मैं लूँगी, सिर्फ हाफ़ चमचा। ये देखेंगे आपको मेरे चमचे का साइज़ नज़र आ रहा है, इसका ये मैं इतना लूँगी। ये लिया है हमने और ये हमारे पास लेमन है, लेमन इसमें हम निचोड़ लेंगे। नहीं, मेरे पास ज़रा बड़ा लेमन है लेकिन इसमें देखें इसका जूस आ जाएगा। ये लेमन इसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा लेमन, और ये बहुत जल्दी बनती है ये डिश। अगर आपको कोई दावत के लिए बनानी हो तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेशन करके रख दें, और ये जो है आपको दूसरे दिन आप इसको बना लें। हम आपको इसको बना के भी दिखाएंगे। इसमें हमने 2-3 छोटे लेमन और 1 हमने बड़ा डाला है ताकि इसमें खटास आए और इसका अच्छा टेस्ट हो। इसके बाद इसको मिक्स करके और हम इसको टिक्का मसाला पे लगाएंगे। देखें ये मसाला हमने मिक्स कर लिया, इसको हम यहाँ करते हैं। और ये हमारी चिकन है, ये हमारा एक बॉल है, इसमें हम अपनी चिकन रख लेंगे जल्दी से फटाफट। और बहुत आसान है, बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसको बनाएं दावतों में, ये बहुत अच्छा। बहुत से लोग चिकन टिक्का बना रहे होते हैं उनका बहुत ही ड्राई सा हो जाता है, मसाला नहीं होता। और ये मसाला देखें ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखें ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा देखें ये तो मसाला ही इतना आएगा, इसमें अगर मैंने ड्राई रखा होता ना तो फिर इसको मुझे ज़्यादा रगड़ के इसको लगाना पड़ता। अभी ये देखें हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। अच्छा, इसमें मसाला ज़्यादा रखने का रीज़न ये है कि ये आपका ना बहुत जूसी बनेगा, और इसका जो ओवरनाइट रखने से जो इसके अंदर जो फ्लेवर जाएगा ना सारा, तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जब आप इसको नान से या चपाती वगैरह या पराठे से खाएंगे ना तो उसमें ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। असल में हमारे यहाँ ग्रेवी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसीलिए हमने ये देखें इस क्वांटिटी का ये मसाला रखा है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ना, ये जब सब पक के ड्राई होगा ना तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा टिक्का मसाला हमने लगा दिया है, इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं इसकी मैरिनेशन के बाद। देखें व्यूवर्स, ये हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करा था तो ये मैरिनेशन हो गया है इसका बहुत अच्छा। अच्छा, हमने जब मैरिनेट किया था तो ये आपको हमने 2 पूरा फुल पीस दिखाया था, अभी हमने इसको ना 2 पीसों में कट कर लिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो बस ये अब हमारी मैरिनेशन हो गई है, इसको हम अपने पैन में डालेंगे। ये देखें ये हमने इसको डाल दिया और अब हम इसको जो है ढककर पकाएंगे, तो ये पानी काफ़ी रिलीज़ करेगा। जैसे ही ये पानी रिलीज़ करेगा उसके बाद जैसे इसका पानी ड्राई होगा ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगी। तो जब तक चिकन गलती है हमने चूल्हा अपना मीडियम पे रखा हुआ है, बस जैसे ही अब इसका पानी निकल के ड्राई होगा तो हम आपको दिखाते हैं। देखें व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया इसका पानी और ऑयल भी रिलीज़ हो गया, ये कितना अच्छा कलर भी आ रहा है इसमें। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी है अब। अच्छा, मेरे पास ये इसको चारकोल के लिए मैंने ये प्याली रखी है इसमें, और ये हम इसमें रखेंगे और इसी का ही थोड़ा सा हम 2 ड्रॉप का ऑयल लेके इसके ऊपर डालेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसको बंद करेंगे ताकि इसमें स्मोक आ जाए अच्छे से।
ज़रूरी नहीं है आप इसको, ये देखें आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा इसमें स्मोक आ रहा है। अच्छा अगर आप कम लेना चाहें तो उसको कम ले दें, नहीं तो हमें तो ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें कितना अच्छा स्मोक हो रहा है इसमें। तो बस इसको एक मिनट के लिए बंद करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें व्यूअर्स ये हो गया, हमने इसको चारकोल को हटा दिया, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको बनाइए, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आप दावतों में बनाएं इसको, और कभी आपको घर में बारबेक्यू करना हो तो कोयले में इतना ज़्यादा वो तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से बनाएं, ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े का होता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारी इस डिश को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताएं कि अगर आपने हमारी अच्छी डिशों को में से कोई रेसिपी को ट्राई किया है तो वो कैसी लग रही है। ये देखें हमने इसमें मसाला भी रखा है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखी है। तो मसाले से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसको आप नान रोटी चपाती से खाएं, रायते और चटनी के साथ, हमने इसके साथ रायता बनाया है।